नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आप सबके बीच में हूँ अपने समसामायिक समय को लेकर, जिसकी टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जीवन में हम दुनिया को जीते हैं और दुनिया को हम अपने भीतर अनुभव करते हैं। आज इस विश्व की स्थिति इतने संकटों और दारुणों से युक्त हो गई है और हम मनुष्यों के द्वारा ही, और यही हमारे लेखन का विषय भी रहा है कि विश्व में इतने संत हुए, महात्मा हुए, शुभचिंतक हुए, वैज्ञानिक हुए, राजनीतिज्ञ हुए, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ इनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। हम युद्ध की संस्कृति की ओर बढ़ लिए, हम हथियारों की ओर बढ़ लिए, हम शांति के रास्ते पर नहीं चल सके। वो कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम इस संसार में, इस पृथ्वी में, इतनी सुंदर पृथ्वी सृष्टि प्रकृति ने इतनी कहा जाए कि आनंददायी, कि आज अगर पर्यटन के लिए या आयावरी के लिए हम लोग निकलते हैं तो आकर्षण के केंद्र में रहता है कि हमें नियाग्रा देखने जाना चाहिए, हिमालय देखने जाना चाहिए, आल्प्स देखने जाना चाहिए। तो ये प्रकृति की बनाई हुई, सृष्टि की बनाए हुए उपलब्धियां हैं, स्मारक हैं, ये प्रकृति के स्मारक हैं जिन्हें हम देखने के लिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम युद्ध में भी बढ़ते हैं और मनुष्य के द्वारा जो बसाई गई है सभ्यता और संस्कृति, इमारतें, भवन, पाषाण पर जितनी कारीगरी करके इमारतें और मूर्तियां बनी हुई हैं, कला जिस तरह से हमने विकसित की, हम उस तरह से क्यों नहीं हृदय को विकसित कर सके? हम क्यों नहीं उस तरह संवेदना को विकसित कर सके? हम क्यों नहीं उस तरह से मनुष्य होते हुए भी हमने मनुष्यता की संस्कृति क्यों नहीं बनाई? या जिन लोगों ने बनाई मनुष्यता की संस्कृति, जो रास्ते दिखाए, उस पथ पर हम क्यों नहीं चले? क्या मनुष्य होना उसका जो दायित्व था उसका निर्वाह हम नहीं कर सके? तो सबसे बड़ा कहा जाए कि मनुष्य होने के नाते जिस दायित्व की पूर्ति हम लोगों ने नहीं की वो ये है कि हम अपने को मनुष्यता से युक्त मनुष्य नहीं बना सके। और उसका मुख्य कारण ये है कि हम अपने भोग में इस तरह से लिप्त हुए कि भोग के जो रास्ते हैं उन रास्तों की ओर हमने दौड़ना शुरू कर दिया। मनुष्यता हमसे छूटती चली गई, संवेदनाएं हमसे छूटती चली गई, और उस दौड़ में जब व्यक्ति दौड़ता है तो बहुत कुछ रौंदता है और उस रौंदने में जो हिंसा होती है उसका उसे अभ्यास नहीं होता, उसकी जानकारी उसे नहीं हो पाती है। तो ये चिंतनीय विषय है और मुझे हमेशा मैं इस चिंता के साथ परेशान होती हूँ कि मनुष्य होकर हम मनुष्य क्यों नहीं है, मनुष्यता की संस्कृति हमने क्यों नहीं विकसित की, जबकि इतनी कलाएं हमने विकसित कर ली हैं, नृत्य की, संगीत की, पर उसके साथ साथ क्योंकि मनुष्यता भी एक तरह की कला है तो उसका विकास हम नहीं कर सके। ये गंभीर प्रश्न है और इसके कारणों पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। पहले मनुष्य मांसाहारी था जब वो विकसित नहीं था,
भोजन के रूप में वो मांसाहारी बना। लेकिन आज जब पूरे विश्व में इतने तरह के कुजीन विकसित हो गई हैं, इटालियन फूड, चाइनीज फूड, भारतीय, तो क्यों नहीं हम शाकाहारी भोजन की प्रवृत्तियों की ओर बढ़ते हैं, क्यों हम मांसाहारी देख रहे? और जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा व्यक्ति, सीधी सी बात है, जैसा व्यक्ति भोजन करता है वैसा व्यक्ति होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी ये भोज्य वृत्ति भी ये बताती है, आदतें भी बताती हैं कि क्यों हम विपथगामी हो गए, क्यों हम दूसरी ओर चले गए। जबकि आप देखिए कि जंगल और जानवरों को बचाने का दायित्व भी मनुष्य का है। सृष्टि ने, ईश्वर ने यह जिम्मेदारी, पूरी पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी दे रखी है मनुष्य को, पर मनुष्य मांसाहारी होने की वजह से वो जंगल भी उजाड़ता चला जा रहा है। और इस जंगल उजाड़ने से सिर्फ पशु ही बेघर नहीं हुए हैं, पक्षी ही बेघर नहीं हुए हैं, मनुष्य समझ नहीं रहा है वो भी बेघर हुआ है, और वो अधिक बेघर हुआ है। और ये बहुत जरूरी है जानना, जब पर्यावरण पर बात होती है, पर्यावरण चिंता पर बात होती है, तो लोग सिर्फ प्रकृति के पर्यावरण की बात करते हैं, लेकिन प्रकृति का पर्यावरण तब तक नहीं सुधरेगा, प्रकृति के पर्यावरण के प्रदूषण की जो स्थितियां हैं वो तब तक नहीं बदलेंगी जब तक मनुष्य के चित्त और चेतना का पर्यावरण में परिवर्तन नहीं होगा। उसका होना बहुत जरूरी है। एक हमने कविता लिखी जिसमें कि मैंने उस कविता की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, और उस कविता का नाम है पृथ्वी। 11 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, और जिस पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं उसमें 3 भाषाओं में कविताएं हैं, डच, अंग्रेजी और हिंदी। और NTR टेलीविजन ने इस पर फिल्म भी बनाई 1 घंटे की, जिसमें डच वर्शन भी पढ़ा गया, वो बेल्जियम के फिल्म के कलाकार हैं उनके द्वारा। कविता है पृथ्वी। पृथ्वी अकेली औरत की तरह सह रही है जीने का दुख। पृथ्वी अकेली औरत की तरह सह रही है जीने का दुख। भीतर से खखोर रहे हैं लोग, ऊपर से रौंद रहे हैं लोग, कुछ लोग अपने उन्मादक आनंद के लिए सजा और संजो रहे हैं पृथ्वी। भीतर से खखोर रहे हैं लोग, ऊपर से रौंद रहे हैं लोग, कुछ लोग अपने उन्मादक आनंद के लिए सजा और संजो रहे हैं पृथ्वी, जैसा अकेली स्त्री के साथ करते हैं सलूक, जैसा अकेली स्त्री के साथ करते हैं सलूक। सब देख रहे हैं तहस नहस, सब देख रहे हैं तहस नहस, पृथ्वी भी देख रही है क्रमशः अपना विध्वंस, फिर भी अनवरत अपनी ही शक्ति से, कभी अग्नि, कभी वर्षा, कभी तूफान, कभी बाढ़, कभी अकाल से रचाती रहती है संतुलन विध्वंसकारी शक्तियों के विरुद्ध। सब देख रहे हैं तहस नहस, पृथ्वी भी देख रही है क्रमशः अपना विध्वंस, फिर भी अनवरत अपनी ही शक्ति से, कभी अग्नि, कभी वर्षा, कभी तूफान, कभी बाढ़, कभी अकाल से रचाती रहती है संतुलन विध्वंसकारी शक्तियों के विरुद्ध। बचाए रखती है अपनी हरियाली, बचाए रखती अपनी हरियाली, अपनी वर्षा, अपनी शीतलता, अपनी उर्वरता, अपनी पवित्रता, अपनी अस्मिता, एक अकेली पृथ्वी, एक अकेली स्त्री की तरह। फिर भी बचाए रखती है अपनी हरियाली, अपनी वर्षा, अपनी शीतलता, अपनी उर्वरता, अपनी पवित्रता, अपनी अस्मिता, एक अकेली पृथ्वी, एक अकेली स्त्री की तरह। पृथ्वी अगर ना हो
तो बाकी भी जो अंतरिक्ष के नक्षत्र हैं वो भी संकट में होंगे। उसी तरह स्त्री को आधी दुनिया कहा जाता है, मैं उसे पूरी दुनिया मानती हूं, क्योंकि स्त्री के द्वारा ही जिस तरह से घर की पूरी दुनिया बनती है, पुरुष की मन की पूरी दुनिया बनती है, बच्चों के मन की पूरी दुनिया जो है वो स्त्री के द्वारा मां के रूप में बनती है। इस रूप में हम लोगों को देखना और सोचना चाहिए और इसी रूप में हमें सृष्टि को समझना चाहिए। अभी पिछले हफ्ते पर्यावरण दिवस मनाया गया और मुझसे भी कई लोगों ने बातचीत की, पत्रकारों ने, तो उस समय बातचीत के क्रम में मुझे लगा कि ये जो पर्यावरण की समस्या है, ये वस्तुतः हमारा चित्त और चेतना जो प्रदूषित हुआ है उसके कारण ये पूरा पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। मन का पर्यावरण, पृथ्वी का पर्यावरण, घर का पर्यावरण, लेकिन हमें अभी प्रकृति का दिखाई देता है, हम मन की प्रकृति को नहीं देख रहे हैं। लेकिन मन की प्रकृति ने जिस तरह से हिंसा की ओर अभिमुख हुई है, और हिंसा सिर्फ हथियार से नहीं होती है, हथियार की हिंसा राजनीतिक विधान है या अपराध जगत का विधान है। तो एक गंभीर प्रश्न है कि क्या आज हिंसा, हथियार और युद्ध अगर अपराध और राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सामान्य आदमी तो हथियार लेकर नहीं चलता है, आम जनता अपने जीवन के संघर्ष से जूझते हुए अपना जीवन जीना चाहती है। तो आज तो जो सत्ता है और जो लोकतंत्र है और जो राजनीति है हो रही है, उसके द्वारा देश और विश्व की जो सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, बल्कि उसके द्वारा समस्याएं खड़ी की जा रही हैं। तो ये भी एक चिंतनीय प्रश्न है कि किस तरह से विश्व में प्रकृति ने समय समय पर हमारे यहां अनेक देशों में संतों महात्माओं को जन्म दिया, उनकी साधना का परिणाम उनके संभाषणों में निहित है। जब विश्व के कई देशों की यात्राएं की तो उन संतों की, सेंट मार्टिन, ऐसे बहुत से नाम, और आज भी पूरे विश्व में जो विभिन्न धर्म हैं, उन धर्मों के इतने भवनों के साथ साथ समसामयिक समय पर जो पंडाल लगते रहते हैं, उनमें जो प्रवचन होता है, उसके द्वारा भी हम मनुष्य के जीवन में शांति क्यों नहीं पैदा कर पा रहे। वैज्ञानिक अनुसंधानों ने हमारे भौतिक जीवन को सुविधा से संपन्न किया है। इस वैज्ञानिक सुविधाओं के द्वारा जीवन की सहजता से हमारे पास समय बचता है, उसे हम सभ्यता संस्कृति अध्ययन शिक्षण में लगा सकते हैं। लेकिन ये जितने भी कहा जाए मनुष्यता को बचाए रखने के ये जितने भी उपाय हैं, क्यों अब हाशिए से बाहर गिरते जा रहे हैं, उधर हमारी दृष्टि क्यों नहीं जाती है? उसके कारण कौन लोग हैं और उसको हम कैसे अपना सकते हैं? ये बहुत ही गंभीर विषय है और चिंतनीय भी इसलिए है कि
जब व्यवस्था के द्वारा अनेक तरह की हिंसा पैदा की जाती है, उसे हम हिंसा ही कहेंगे। सामान्य जीवन में जो व्यवधान पैदा किए जाते हैं व्यवस्था के नाम पर, सरकार के नाम पर, तो सरकार को चाहिए कि वो सामान्य जीवन को सुविधाजनक बनाए, क्योंकि जो सरकार बनी है और जो चल रही है उसके पूरे तंत्र को चलाने के लिए भी एक आम नागरिक ही पैसा दे रहा है टैक्स के रूप में, जिसे इस रूप में कहा जाए। तो एक तरह से गंभीरता से देखा जाए तो एक मनुष्य, एक आम आदमी अपना घर चलाना, अपने बच्चों को पालना पोसना और देश को भी चलाना, इन सब में उसकी भागीदारी है और उसका समर्पण है। वो अपने देश को चलाने के लिए भी कमाता है और अपने परिवार को चलाने के लिए भी कमाता है, और उस देश को चलाने के लिए जिनके हाथों में सौंपी गई है सत्ता, उनके द्वारा इस हिंसा पर रोक नहीं है बल्कि हिंसा बढ़ाई जा रही है। तो ये इसको सुधारने के लिए हमारे धर्म का व्यक्ति आश्रय लेता है अपनी व्यक्तिगत आत्म शांति के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर इसके रास्ते नहीं है, हमारी अपनी चेतना में ही है। और चेतना ने जिस धर्म को धारण कर रखा है उसी में वो रास्ते खोजता है अपनी आत्म शांति के लिए। इस क्रम में भारतवर्ष में जो साहित्य है, जो धार्मिक साहित्य जिसे कहा जाता है, वस्तुतः वो धार्मिक के साथ साथ मनुष्यता का साहित्य है। और जब संस्कृत भाषा सीखने वाला विद्यार्थी उस साहित्य को पढ़ता है जिसमें वेद से लेकर के अब तक के शंकराचार्य की पूरी परंपरा, ज्ञान मार्गी, निर्गुण मार्गी, सगुण मार्गी, अनेक तरह के, तो संस्कृत और हिंदी भाषा को पढ़ने वाला विद्यार्थी उस साहित्य के माध्यम से जिस भक्ति को पढ़ता है, जिस धर्म को जानता है, अगर विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं और हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्यता को कैसे धारण किया जाए इसके पूरे विधि विधान को वो वेद शास्त्रों के माध्यम से जानते हैं और पढ़ते हैं। पूरा का पूरा हिंदी भाषा का साहित्य भक्तिकाल, जिसे कि हिंदी भाषा का भी स्वर्णयुग कहा जाता है, उसमें कबीर के भी राम हैं और तुलसी के भी राम हैं और गांधी के भी राम हैं और हम सब के राम हैं। जो रामचरित मानस है वो राम का चरित्र पूरे विश्व में मनुष्यों के चरित्र में दिखाई देता है। रामचरित मानस में जो चरित्र है, रामचरित मानस पुस्तक में जितने चरित्र हैं वो सारे चरित्र विश्व में दिखाई देते हैं। और जिनके पास मनुष्यता है, ऐसे राम, श्री राम जी का आशीष पाए हुए मनुष्य चरित्र भी पृथ्वी पर हैं, और उन्हीं से रास्ता मिलता है, दिखाई देता है। तो जिन विद्यार्थियों को बीए में, और भारतवर्ष में जब मैं जब पढ़ रही थी तो उस दौरान हमने स्कूल में भी नीति के भजन, कबीर के दोहे, सूरदास की पंक्तियां, मीराबाई के गीत, तुलसीदास की कुछ चौपाइयां, दोहे, ये सब 5-6 वर्ष की उम्र में पढ़े। उस समय भक्ति समझ में नहीं आती थी, लेकिन मनुष्यता तो समझ में आती थी।
उसकी तरंग तो समझ में आती थी। और उसके बाद में एमए बी और एमए तक आते हुए तो मुझे बहुत हद तक ये लगता है कि भारतवर्ष में जो शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षा व्यवस्था में विश्व शांति के गुणसूत्र हैं। विद्यार्थी पढ़ने वाले पार विद्यार्थी शोधार्थी सिर्फ उसे डिग्री के रूप में नहीं देखें जीविका के लिए, वो जीवनदायी पाठ्यक्रम है जिसे वो पढ़ रहे हैं। उसमें जीवन की संजीवनी, उसमें आत्म शांति के साथ साथ विश्व शांति के भी स्रोत हैं और उस रूप में उसे देखा और जाना जाना चाहिए, जिससे कि अब ये संत तुलसीदास जी, कबीरदास, इन संतों ने जो साधना की वो शब्दों में विलय होकर प्रकट हुई है। यही कारण है कि वो ताकत वो शक्ति अब तक बनी हुई है। मैंने जब पंक्तियां पढ़ी तुलसीदास जी की, सिया राम में सब जग जानी, तो बड़ी सहज से शब्द हैं, लेकिन जब दुनिया घूमी तो सच में लगा कि सिया राम में सब जग जानी। और इस क्रम में भारतवर्ष से जब पूरी दुनिया के दूसरे देशों में हमारे किसान मजदूर ले जाए गए, जब भारत देश ब्रिटिश देश के अंतर्गत था, तो कुछ अपनी मातृभूमि में कष्ट पा रहे थे और कुछ लोगों को इस प्रलोभन में उस देश से ले जाया गया कि तुम्हें हम श्री राम धाम ले जा रहे हैं। और पाल वाले जहाजों पर उनको ले जाया गया। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ श्री राम का नाम था, कुछ भजन थे, कुछ लोकगीत थे और आंखों में ये सपना था कि वो श्री राम की धरती पर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से रावण सीता माँ को हर कर ले गया अपनी लंका नगरी में, उसी तरह से ये लोग हमारे किसान मजदूरों को अपनी मातृभूमि से विस्थापित कर दिए और वहां पहुंचकर जिस तरह से सीता मैया ने लंका में राक्षसों का सामना किया और राक्षसी व्यवस्था का सामना किया, वैसे ही हमारे किसान मजदूर। लेकिन उनके साथ श्री राम थे, वो श्री राम सिर्फ नाम नहीं, श्री राम एक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का एक नाम श्री राम संस्कृति है।